मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ तो ये हम पहुंचेंगे फिर आगे, अभी हमारा तो शुरू करो, गरम गरम खाना है। रुको जरा, सबर करो, खाना शुरू करते हैं, देन फिर आपको आगे अपडेट देंगे। तो गाइस ये हम नियरेस्ट टू कल्लात हैं और कल्लात के करीब करीब हैं और 6:38 हो रहे हैं। पहली करंट फूट रही है और जो है अभी कोयटा की तरफ रवाना है। हाँ जनाब, तो हम जो हैं 137 की स्पीड पे जा रहे हैं, 7:22 है, बाहर 2°C हो रहा है। कल्लात के हम करीब हैं, कल्लात हमारे हमसे बस 2-3 किलोमीटर दूर है और यहाँ ऊपर बोर्ड भी आ रहा है, बोर्ड भी हम आपको दिखाएंगे। शराब साहब बोर्ड में थोड़ा स्लो हो जाए ताकि हमारे नाजरीन ये देख सकें। कल्लात मस्तूंग कोयटा और चमन, कोयटा 142 किलोमीटर दूर है, 142 मोस्ट प्रॉबली कराची टू हैदराबाद वाला सीन है। सो गाइस आपसे फिर आगे चलते हैं, हम कल्लात में पहुंच चुके हैं जनाब, कल्लात में हम इंटर हुए हैं अल्लाह के फजलो करम से। आ गए दोस्त, 2 सेंटीग्रेड चल रहा है यार, अभी 2 सेंटीग्रेड है इस वक्त, ठीक है, और हम कल्लात पे खड़े हैं। ये कोई बलूचिस्तान का पिए तो स्टेट ऑयल है भाई, समझ गया, अंदर बंदा सो रहा है, मैं पेट्रोल की सख्त जरूरत है सख्त। और डैनियल भाई आ गए, डैनियल भाई आप भी कुछ अपने राय, वो उठ ही नहीं रहा है भाई, वो माशाल्लाह अंकल सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं, पेट्रोल पंप बहुत अच्छा बना हुआ, वेल डेवलप, बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप है। जरा पेट्रोल पंप का भी आप पेट्रोल पंप दिखाएं, जरा व्यू दिखाएं, अपग्रेड है, बन रहा है अभी, पीएसओ पैसा लगा रहा है इसमें, देखो एसी, वो एसी गर्म चढ़ बदल चली जाएगी। ये माशाल्लाह से हमारी गाड़ी यार, भाई पेट्रोल डाल दो यार, अबे खुद ही डाल, 2°C है जनाब यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर 0 तक भी जाता है। और कल्लात पहुंच चुके हैं, ये मुंह से धुआं आ रहा है, और क्या बताएं आपको, फिर आपको और आगे चल के बताते हैं, अपडेट देते हैं। इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं हो, कोयटा टनल में हम जा रहे हैं, तुम बदला चाहते हो, लेकिन हम इस तरह ऑपरेट नहीं कर सकते, वरना हम किसी को मारे उससे पहले कोई हमें मार देगा, हमें कुछ और ट्राई करना होगा। ये हम कोयटा टनल में, ये जरूर किसी अंदर वाले का काम है। ये
क्रॉस कर लिया हमने। एक ऐसी जगह बनाई है मैंने, जरूरी होगी। ये टनल का व्यू है ना। हाँ तो जनाब हम अब रुके हैं नाश्ते के लिए और नाश्ता भी आ चुका है और क्वेटा में प्रिंस रोड के पास नाश्ते के लिए। ये हमारा नाश्ता है, ये लाला हमारा नाश्ता लेकर आए। लाला का नाम क्या? हाँ हंजला भाई हमारे लिए नाश्ता लेकर। और प्रिंस रोड क्वेटा, मगर हमारे दानियाल भाई के साथ एक बैड सीन अभी हो गया, जो पैर घुस गया ब्लू। ये तो होगा, ये होना है यार। अरे छोड़, इट्स अ पार्ट, ये होता है। चलें अब हम नाश्ता एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। ओके जी, वेलकम टू क्वेटा। अ फ्यू आवर्स लेटर, तो गाइस हम निकल रहे हैं अपने टूर की तरफ। बाहर खाना खाने में है, होटल से हम जा रहे हैं ड्राई फ्रूट मार्केट। हां, हम ड्राई फ्रूट यहां से खरीदेंगे जो जो सही लगेगा। और अभी जो है क्वेटा मेन शहर प्रिंस होटल, प्रिंस रोड पे हम होटल में। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। से निकल रहे हैं और अभी हम अपने होटल पे हैं। होटल है और अब जो है हम निकल रहे हैं अपनी फूड स्ट्रीट। हाँ तो जी, हमारा अफगानी पुलाव रेडी है, ये आ गया है इसको नोश करने के लिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? यार यहाँ पे तो बहुत सर्दी हो रही है, अभी कोई 3 degrees centigrade हो रहा है। और 3 degrees centigrade ये आप देखें, स्मोक आ रहा है मुंह से। दूसरा ये है कि एक बैड सीन ये हुआ है अभी कि हमारी गाड़ी हो गई है पंचर, तो हम अभी स्पेयर व्हील लगाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग पंचर वाले के पास जाएंगे, पंचर लगवाएंगे। तो फिर इसके बाद हम ये करेंगे, फिर हम होटल जाके चेकआउट करके फिर जाएंगे आगे। ये देखें, आपको मैं दिखाऊँ अगर देख सके कि ये पंचर लग रहा है हमारी गाड़ी। शहजाद भाई भी बैठे हैं मेरे साथ। सो गाइस फजर हो रही है अभी, फिर हम देखते हैं आगे चलते हैं, बताते हैं, अपडेट देते हैं। शहजाद भाई स्मोक शहजाद भी दे रहे हैं। तो ये सुबह के 6:30 हो रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं। उठते हम गए थे 5:30 बजे, तो मॉर्निंग 5:30 हो गई थी, बस नमाज पढ़ी अभी, नाश्ते के लिए निकलते हैं अभी। उसके बाद फिर हमारा अगला सफ़र पीर गैब का है, फिर चलते हैं, नाश्ता दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो फराज भाई ने जैसे अपडेट किया कि हम नाश्ता करेंगे और नेमत कदा फिर इंशाल्लाह हमारा नाश्ता होगा। नाश्ता करके फिर हम अगले सफ़र के लिए जाएंगे। पहला सफर, दूसरा सफर तो ये होगा, हम पहले पंचर लगवाएंगे। जो अभी हमारा ऐसा इंसिडेंट हुआ, पंचर हो गया भाई। अच्छा हुआ स्टेपनी मौजूद थी, स्टेपनी मौजूद थी, वो हमने लगवाई है। नाश्ता करके फिर हम चलेंगे पंचर लगवाने, पंचर के बाद फिर हमारा जो सफ़र होगा पीर गैप का होगा। तो फिर आपको अपडेट करते हैं। नेमत कदा पे हम खड़े हुए हैं नाश्ते के लिए, सर्दी हो रही है। ये हमारे भाई हैं नाश्ते वाले। हाँ भाई, नाश्ते में क्या है? कितने साल दें हम नाश्ते में? सर हलवा है, पूरी है, नहरी पाए। अच्छा अच्छा बैठे अंडे। कितने टाइम से हैं अपने यहाँ? ये 50 साल से। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नाश्ता करते हैं आपके साथ, ठीक है? चलो, तो हलवा पूरी और पाए का नाश्ता चल रहा है हमारा। हलवा पूरी तो थोड़ी निबट गई है, बस पाए हैं छोटे के, ये हलवा है, ये चने थे, ये पूरी और पराठा। अभी हम रख रहे हैं, पाए खाने का मूड हो रहा है बहुत यार। चलें जी। सो गाइस यहाँ पे हमने नाश्ता किया, बहुत ही लजीज है,
प्रेफर करेंगे आपको कि आप भी आएं, आप भी खाएं। ये रोड है अपना यार, प्रिंस रोड कहलाता है, वहाँ पे मेन क्वेटा होटल से जो आपको अच्छा लगे वो होटल आप यूज करें। ये व्यू देखें। हाँ तो जनाब, अब हम पहुँचे हैं पंचर वाले के पास। रात को जैसा आपको बताया था कि टायर में थोड़ी हवा कम थी, अब सुबह देखा तो भाई एक्चुअली वो पंचर है। एमरजेंसी में टायर एक लगाया हुआ, लेकिन यार आपको पता है एमरजेंसी होता है, अभी वो चेक कर रहे हैं टायर में लगवा के। टायर पंचर हुआ है। हाँ तो जनाब, पंचर लगेगा, उसके बाद फिर हम पीर कैपिटल रवाना होंगे। A few hours later. तो जनाब, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम पीर गैप जा रहे हैं, तो अपने वादे के मुताबिक हम पीर गैप आ गए। ये पीर गैप की चेक पोस्ट है, ये पीर गैप के चेक पोस्ट पर खड़े हैं सारे, और पीर गैप जाते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर 8 किलोमीटर दूर है, तो फिर ये है कि आपको बताते हैं और चलते हैं आगे, फिर बताते हैं आपको। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम पहुंच गए हैं पीर गैप, और पीर गैप पे पहुंच गए। मौसम चेंज है शम्स, क्या सोच है रे तेरी। अच्छा, चेयर लिफ्ट भी यहां है, लिफ्ट है, लेकिन चेयर लिफ्ट नहीं चल रही है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। शम्स, मैं आपको सिंध गवर्नमेंट का एक फनकार दिखाता हूं। आइए, सिंधी बलूचिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान गवर्नमेंट। सर ये देखिए, अभी ये टेप से बांध दी, क्या पैकिंग की है सर, माशाल्लाह। मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए बांधा था कि हाथ ना कटे किसी का, हाथ लगाए हाथ ना कटे, हो सकता है सेफ्टी पर्पस। हां, सेफ्टी पर्पस के लिए हाथ ना, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंग लेनी चाहिए सबके लिए, भले बलूचिस्तान हो कुछ भी हो, क्योंकि है तो हमारा मुल्क। शम साहब, यही है वो आप शहर जिसका था आपको इंतजार, देखिए आप माशाल्लाह। साउंड चेक करें पानी का, तो जनाब ये है पीर गैप का तारीखी पस मंजर। तो जैसे कि हमने आपको बताया, हम पीर गैप गए, अब ये पीर गैप से हम वापस आ रहे हैं, तो गुड बाय पीर गैप। अब हमारा जो सफर है इंशाल्लाह ताला जाएगा ज्यारत की तरफ, चले अब हम ज्यारत जा रहे हैं। कितना टाइम का सफर है? साढ़े तीन घंटे का सफर है ज्यारत का, यहाँ से 3 hours later। जी तो जनाब, हम अभी जो है ज्यारत पहुँच चुके हैं। ज्यारत का गेट भी सामने ही है, आप थोड़ा सा नियरेस्ट जाके आपको हम दिखाते हैं। ड्राइव भी हो रही है और वीडियो भी बन रही है। ज्यारत, गेटवे ऑफ ज्यारत, बाबे ज्यारत क्या लाता है ये, ये बाबे ज्यारत में हम एंटर हो रहे हैं। मैंने भी वीडियो बनाई वापसी जाते हुए पिक्चर। हम लोग पहुंच गए हैं ज्यारत, ज्यारत पे शालीमार होटल पे, और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, 3 सेंटीग्रेड है, मगर फील लाइक जीरो लग रहा है। और शालीमार होटल में अभी जब हम पहुंचे तो उस वक्त लाइट नहीं थी, इसलिए आपको अर्जेंट अपडेट नहीं दे सके। अब लाइट आ चुकी है, तो आपको अपडेट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट देते हैं फिर क्या बोलते हैं। भी सर्वे कराएंगे, अभी लाइट नहीं थी तो रूम का भी आपको दिखाते हैं, रूम में जो मिला है। रूम सर्वे कराते हैं, व्यू बहुत अच्छा है रूम का हमारी, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह, फिर अपडेट देते हैं। फुली प्रिडिक्शन है स्नोफॉल की, अब देखें स्नोफॉल, हमने वेदर भी देखा, उसमें भी लिखना है कि फुली वेदर अपडेट में है कि स्नोफॉल होगी। 2 hours later. और ये हमारा खाना आ चुका है, रोस्ट मटन कढ़ाई है दुम्बे की, और दाल है, रोटियां हैं, सैलेड आ रहा है। खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं। खाने के बाद अभी चाय हाजिर है, चाय की चुस्की लगाते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ। हाँ तो गाइस, हमने खाना खा लिया है, ये होटल है क्लासिक होटल,
क्लासिक होटल में खाना खाया, यहाँ की कढ़ाई जरूर टेस्ट कीजिएगा भाई, दुम्बा कढ़ाई। हमने दुम्बा कढ़ाई खाई है, बहुत ही टेस्टी थी और हमें पूरा गरम कर दिया। और ये क्लासिक होटल में खाना खाया, ये देख ले, यहाँ आप आइएगा और जरूर ट्राई कीजिए। और हम चलते हैं अपनी होटल की तरफ जनाब। तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और हम अभी हैं शालीमार होटल से हम बाहर आए हैं। अब ये है कि हम होटल शंग्रीला में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और देखते हैं लेक्सी क्या एक्सपीरियंस होता है। स्नोफॉल अगर हो सके तो ये बताए कि स्लो स्नोफॉल है अभी। ओके अब देखते अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं ये भाई पराठे तले हैं। पराठे तल लें, ये पराठे बनाएंगे, नाश्ता हमें रेडी करके देंगे। और अंदर चल के हम दिखाते हैं ब्रेकफास्ट की हमारी टीम बैठेंगे। आगे अपडेट देते हैं। -1 हो रहा है, हल्की हल्की स्नो हो रही है, ज़ियारत का मंजर है ये। अब ऊपर कायद रेजिडेंसी की तरफ जाएंगे, फिर आपको और अपडेट्स देंगे। अभी हम 0 पॉइंट आएंगे यहाँ से, यूजीएल से बैकपैक का रास्ता सीधा ऊपर, वहाँ चलते हैं और आपको अगला अपडेट देते हैं कि वहाँ छूट जाएंगे। चले फिर लेट्स गो। ये हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ये बर्फ पड़ी है कल। गेस्ट हाउसेस भी हैं यहाँ पर, अच्छे हैं। रेट हमने मालूम किए तो वो 8,000 पर डे कह रहे हैं पूरा गेस्ट हाउस। ये आ गया ज़ियारत रेजिडेंसी, काइज रेजिडेंसी। ये पार्किंग एरिया है। 10 बजे खुलेगा, 10 बजे ओपनिंग टाइम है। काइज रेजिडेंसी ये है, ये खुल जाएगा तो फिर हम आपको आगे की अपडेट देंगे जी। तो हम काइज रेजिडेंसी पहुँच चुके हैं, ये काइज रेजिडेंसी है, ये व्यू है, ये चेकिंग हो रही है सबकी। टिकट 20 रुपीज़ का है और चेकिंग हो रही है, प्रॉपर चेकिंग के साथ है, बैग वगैरह अलाउ नहीं है। ये ऊपर चढ़ते हैं कायद का स्टैचू। बर्फबारी है ये, स्नोफॉल। ये क्या है? हाँ शालीमार होटल से। सब हमने सामान अगर उतार लिया है, अब निकल लें। ठीक है शहजाद भाई, इंशाल्लाह हम आएंगे आपके पास शालीमार होटल। ठीक है शहजाद भाई, और अच्छा आपने हमें मेहमान नवाजी करी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे। ठीक है चलें शहजाद भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। हम चलते हैं आगे की तरफ ओवर टू क्वेटा
चलते रहेंगे कराची, तो कराची पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।